वायरस महामारी का प्रकोप इन दिनों देश विदेश में बढ़ता जा रहा है। इस वायरस से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी महाविद्यालयों एवं इंटर कॉलेज प्राथमिक विद्यालयों की 22 मार्च तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं। इसके बावजूद भी जनपद मैनपुरी में एक विद्यालय ऐसा देखने को मिला जो मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही विद्यालय में, गौर से देख लीजिए। यह है श्रीमती विद्या देवी एंटर कॉलेज इमादपुर सिमई मैनपुरी, जिसकी मान्यता कक्षा 6 से लेकर एंटर तक की है। लेकिन इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 11वीं तक के छात्र परीक्षा देते हुए दिख रहे हैं। जब मीडिया की टीम ने बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आज हमारा हिंदी का पेपर है जिसको वह करने के लिए आए हैं। छात्रों द्वारा पूछने पर उन्होंने आज 16 मार्च दिन सोमवार भी बताया। बताया जाता है कि इस विद्यालय की मान्यता 6ठी से लेकर 8वीं तक की है, फिर भी विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 11 तक के छात्र मौजूद देखने को मिले। इस संबंध में जब प्रबंधक एवं प्रिंसिपल शिव सिंह राजपूत ने जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि आदेश तो हैं, लेकिन उनका एक पेपर रह गया था, वह कराया जा रहा है। मान्यता के बारे में जब पूछताछ की तो वह किस तरह से जवाब देते हुए देखे, खुद ही सुन लीजिए। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षण फोन पर बात की तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात की। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। बताइए सर, एक बिछवा में एक इमादपुर पड़ता है सर, बिछवा में यहाँ पर एक विद्यालय खुला हुआ है सर, MS श्रीमती विद्या देवी इंटर कॉलेज विद्यालय खुला हुआ है सर, और यहाँ पर हम खबर वबर बना के और निकल आए हैं सर इधर, और एक और स्कूल खुला हुआ बताया गया तो मैं इधर देख रहा हूँ सर, वहाँ उसमें परीक्षा चल रही है और कक्षा 1 से लेकर 11वीं तक के बच्चे वहाँ परीक्षा दे रहे हैं जी। तो इसमें सर आपकी एक बाइट और चाहिए थी हमें, दिखवाते हैं बाइट क्या, दिखवाते हैं इसको, कार्रवाई होगी इसके खिलाफ, क्या होगा इसको, क्या बाइट देते हैं? नहीं बाइट तो जरूरी होती है ना सर, ऐसा ना चैनल वालों पे बाइट तो मिल ही जाती है, बाइट तो चाहिए चाहिए, ऐसा है ना इसको दिखवाएंगे, खुला आया है इसके तो कार्रवाई होगी इसमें। नहीं हम निर्देश है शासन के 22 तक सर, तो खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। जी जी जी, तो इसमें जो ना अगर जो कार्रवाई होगी, आप अगर जो व्हाट्सएप इसी नंबर पे चलाते हैं तो सर मैं पूरे विजुअल डाल दे रहा हूँ। अभी हमारा यार व्हाट्सएप इस पे भी हमने फोन बदल दिया ना, अभी इसको सक्रिय करेंगे, उसको गड़बड़ हो गया सर, फोन बदला है। अच्छा सर ठीक है, मैं दिखवाता हूँ उसको। ठीक है सर, ठीक ओके। मैं बेटा रुचि यादव, कहाँ की रहने वाली हो रुचि? नंगला निहाल। नंगला निहाल, यहाँ पढ़ाने आती हो? यस। कितने वर्षों से पढ़ा रही हो? 3। अच्छा, ये आज जो सोमवार है इससे पहले छुट्टी थी क्या? आज जो स्कूल खुला है इससे पहले क्या छुट्टी थी? मंडे को? हाँ। मैं तो आनी थी, मेरा एग्जाम था। अच्छा, आपका एग्जाम था, कितने में पढ़ा रही हो? कितने में पढ़ रही हो? बीएससी फाइनल। फाइनल है। यहाँ कितने कितने मतलब कि कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हैं? जी 5 तक। 5 तक पढ़ा रही हैं, मतलब कक्षा 5 की क्लास लगते हैं यहाँ? मतलब कक्षा 5 तक की क्लास लगते हैं, KG से लेकर कक्षा 5 तक की क्लास लगते हैं यहाँ जी। अच्छा, इंटर तक भी लगता है? लेकिन मानता तो इनकी 6 से 8 तक है बेटा। जी सर, मुझे नहीं पता। ये नहीं पता है? अच्छा, आज दिन कौन सा है? आज मंडे। और तारीख कौन सी है? 16। और ये महीना? 3। और ईयर कौन सी है? 2020। पुष्पेंद्र जी, आज जो है कौन सा दिन है? सोमवार। विद्यालय का नाम क्या है? श्रीमती विद्या देवी हाई सेकेंडरी स्कूल कॉन्वेंट सिमरी मैनपुरी। अच्छा, ये जो है ना ये इमादपुर का है? यस सर। अच्छा, ये बताइए आज कौन सी तारीख है सर? बताओ। नहीं मालूम? आज 16 मार्च है, नहीं मालूम है? यस सर। कितने है तारीख? 16 मार्च। तो सन कौन सा है बेटा? पढ़ने में होशियार नहीं है उसके मतलब है? तुम बताओ कौन सी सन है आज? 2020। महीना? तीसरा। और तारीख कौन सी आज? 16। काहे का पेपर है? हिंदी का। दिन कौन सा है बेटा? बुधवार। अच्छा, तो आपके विद्यालय का नाम क्या है? श्रीमती विद्या देवी कॉन्वेंट स्कूल इमादपुर सिमरी मैनपुरी। अच्छा, ये आज ये बताओ बेटा आज तारीख कितना है? 16। अच्छा, मंथ कितना है?
और यार 2020। अच्छा, आज दिन कौन सा बेटा? मंडे। आज पेपर किसका है? हिंदी का है। अच्छा, क्या वजह से आई हो आप यहाँ? सर 8 बजे से। अच्छा, आज पहला पेपर है या दूसरा पेपर है? पहला पेपर है। कक्षा 3 की हो? यस सर। ठीक, क्या नाम है बेटा? किस क्लास में पढ़ते हो? क्या तारीख है? 16 महीना कौन सा? 3 मार्च। काय का पेपर है आज? इंग्लिश। जी, पहला ही पेपर है या पहले पूछो? पहला। आज स्टार्ट हुई है परीक्षा? सीबीएसई भी है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी कहाँ की रहने वाली हो? मोरोरा की। यहाँ जो नए क्लासेस ले रही हो, कौन सा क्लास है? ये 9th है, 6th सीबीएसई और 4th इंग्लिश। तो ये इतना कैसे बैठ सकता है? 9th भी है, सीबीएसई भी है, और एक क्लास एक साथ में कैसे बैठ सकते हैं? एग्जाम हो रहे इसलिए बैठा है, कमांड करके ने। अच्छा, तो सीबीएसई की बोर्ड हो रहा है, परीक्षा हो रही है इनकी? हाँ, नहीं। और एनुअल एग्जाम हो रहे इसलिए। ऐसे ही। तो सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे हैं इसमें? 4th वाले। लेकिन इनकी सीबीएसई बोर्ड की तो परीक्षा मान्यता नहीं है? ये मुझे नहीं। हाँ, ये नहीं मालूम, इनकी मान्यता तो नहीं है, लेकिन बैठा ले कैसे? अच्छा, ये बताओ दिन और तारीख कौन सी है? आज तारीख 16 है, मंडे। महीना कौन सा है? महीना मार्च। सन कौन सी है? 20 क्या नाम है बेटा? है? अच्छा, कितने में पढ़ रही हो बेटा? कक्षा 1 में पढ़ रही हो। अच्छा, आज काय का पेपर है? हिंदी का। तो आज पहला पेपर है क्या? आज हिंदी का पेपर है बेटा, है? अच्छा, ये बताओ बेटा, इधर देखो मेरी तरफ, आज तारीख कौन सी है बेटा? अरे पत्रकार भाई साहब, तारीख कौन सी है आज बताओ? है कौन सा महीना है? तीसरा। सतपाल सिंह राजपूत। अच्छा राजपूत जी, आप इस विद्यालय के क्या प्रबंधक हैं क्या? यह आपका विद्यालय कितने से कितने तक चलता है? 6 से 12 है। 6 से 12 है, लेकिन यहाँ पे 9 नयाल बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक के बच्चे भी, वो 5 तक के भी बच्चे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, सही बैठे हैं सर। नहीं, वो तो सही बैठे हैं, लेकिन क्या मान्यता है 1 से लेकर 5 तक की? है। अच्छी बात है। आप जो है ना, ये अभी इस समय जो है ना कोरोना का बड़ा जो है ना प्रकोप चार तरफ फैला हुआ है, मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि जो है ना आप विद्यालय की छुट्टी रखेंगे, बच्चे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। आप तो यहाँ पर जो है ना, आज 16 मार्च है 2020, मेरे छुट्टी हो गई, लेकिन आज पेपर था, फंसा हुआ था, इसलिए आज करा रहे हैं उसको। अच्छा, आज के बाद विद्यालय बंद हो जाएगा? नहीं, आज के बाद विद्यालय, लेकिन आज तो खुला हुआ है, आप जो ना मुख्यमंत्री के आदेश को बच्चे आ गए थे इसलिए करवा दे रहे आदेश। नहीं तो आपके बिना आदेश के थोड़ी नहीं आ गए होंगे बच्चे? बच्चे पहले से आदेश से पूर्व आ गए थे। अच्छा, पहले से भी आ रहे थे बच्चे? आ गए थे ना। अच्छा, शनिवार को छुट्टी थी क्या आपकी? शनिवार को छुट्टी थी। तो फिर कैसे आ गए? जब छुट्टी थी विद्यालय शनिवार, तो कितने दिन पहले छुट्टी थी? पहले छुट्टी थी, पेपर चल रहा है ना, पहले बीच में स्कीम में गैप थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरल का प्रकोप फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते जो है ना जितने भी संस्थान जहां भीड़भाड़ के हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं, यहां तक विद्यालय भी अपने जो है ना बंद कर दिए गए, पूरे मुख्यमंत्री के आदेश के जो है ना आदेश के अनुसार जो है ना सभी जनपद और प्रदेश के विद्यालय बंद हैं इस समय। लेकिन जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम इमादपुर में एक ऐसा स्कूल है जहां पर जो ना बच्चों की भारी मात्रा में आज देखे गए हैं। यहां पर स्कूल जो खुला हुआ है और बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। कैमरामैन के साथ अनिल शाह, JK 24/7 न्यूज, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? सुबेदास सिंह। कहाँ के रहने वाले हो सर? नंगलाई मिलिया। कौन से विद्यालय में पढ़ा रहे हो आप? इमादपुर। विद्यालय का नाम? SMT विद्या देवी इंटर कॉलेज। अच्छा, आप यहाँ टीचर हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए आज तारीख कौन सी है सर? तारीख 16 है।
महीना कौन सा है? तीसरा। और कौन सी सन कौन सी है? 2020। 2000। पेपर करा रहे हो, काय का पेपर है आज सर? हिंदी का। हिंदी का पेपर है। कितने दिन हो गए सर पेपर होते हुए? पहला ही दिन है शायद। आज पहला दिन है, ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.